Hello everyone, very good evening to all of you and welcome back to my YouTube channel Poonam's Mantra. So friends, हमने basic maths की एक series शुरू की है और इस series में हम board mass पढ़ चुके हैं and LCM का भी जो introductory part था वो हमने previous video में discuss कर लिया था. So आज हम LCM के ही कुछ और questions करेंगे. तो अगर आपने एलसीएम का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस वीडियो को देखिए. आफ्टर दैट इस वीडियो को आप वॉच कीजिए. सो एलसीएम मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, एलसीएम मींस होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड लीस्ट का मतलब होता है छोटा, कॉमन मल्टीपल. ओके, तो मैंने टू मेथड से आपको एलसीएम निकालना बताया था. फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन इज मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, तो आज हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, मैक्सिमम टाइम हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करते हैं. सो देखिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे. फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 10, 15, 16 and 20. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आपने एलसीएम फाइंड करना है. वैसे तो आप इस क्वेश्चन का एलसीएम टू मेथड से फाइंड कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी. बट देखिए, जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो मेथड में हमें अगर हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आ जाती हैं, बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी. हमें बहुत लंबा लंबा तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो वो नंबर लिखने पड़ेंगे. सो इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है, अगर हमारे पास छोटे छोटे नंबर है लाइक 10, 5, 8, 12, 20, 30, तो इनके टेबल इजी हैं, तो इनका हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं. बट जब हमारे पास नंबर्स जो है वो हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में आना शुरू हो जाते हैं तो उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही. तो देखिए, सबसे पहले आपने इन सारे नंबर्स को राइट कर लेना है इस तरह से, 8, 10 डैश लगा लेना है बीच में आपने, 15, 16 and 20. नाउ देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को देखेंगे. फर्स्ट नंबर है 8. 8 को हम देखेंगे, 8 जो है वो किससे डिविजिबल है. तो हमने 2 से स्टार्ट करना है ऑलवेज. हमने किस जब भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करना है तो हमने 2 से स्टार्ट करना है कि 2 से अगर इसमें कोई नंबर डिविजिबल होता है तो नंबर्स को हमने 2 से डिवाइड कर देना है. सो देखिए, 2 से 8 डिवाइड हो जाता है, 2 4 8 एंड 2 से 5 भी 10 भी डिवाइड हो जाता है, 2 5 10. देखिए यहाँ पे हम जो कोशेंट आता है, हमारा भागफल जो आता है उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं. नाउ 15 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 से डिविजिबल नहीं होता है 15. सो 15 को एज इट इज राइट कर देंगे. नाउ 16 2 के टेबल में आता है, 2 8 16 एंड 10 भी 2 के 20 भी 2 के टेबल में आता है, 2 10 20. नाउ देखिए, 2 से हमने इन सारे नंबर्स को जो 2 से डिविजिबल थे उनको डिवाइड कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप में आपने फिर से देखना है कि 2 से कहीं और नंबर फिर से तो नहीं है डिविजिबल. अगर फिर से डिविजिबल होते हैं 2 से तो आपने अगेन 2 से ही इनको डिवाइड करना है. तो देखिए, देखते हैं. देखिए इधर 4 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, आफ्टर दैट 10 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो इट मीन्स कि हम फिर से किससे डिवाइड करेंगे, हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे इसको. तो अगेन हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे. नाउ देखिए, 2 से 4 डिवाइड डिविजिबल है, 2 2 4, तो हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे. अब 5 2 से डिविजिबल नहीं है तो 5 को एज इट इज आपने राइट कर देना है. नाउ 15 भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसको भी एज इट इज राइट कर दीजिए. नाउ 8 देखिए, 2 से डिविजिबल है, 2 4 8 एंड 10 भी 2 से डिविजिबल है, 2 5 10. नाउ अब फिर से हम देखेंगे कि इनमें से कोई नंबर फिर अगेन 2 से डिविजिबल तो नहीं होता है, तो हम फिर देख रहे हैं कि फिर से ये जो 2 है एंड 4 है ये 2 से डिविजिबल है, तो अगेन आपने 2 से डिवाइड करना है. देखिए, आपने 2 से तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं. तो देखिए, 2 1 2
एंड 5 को अगेन आपने राइट कर देना है 15. नाउ 4 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4. ओके, नाउ अगेन हम देख रहे हैं कि 2 1 से यहां तो 1 आ चुका है, बट ये जो 2 है ये अगेन 2 से डिविजिबल है, तो यहां पे आपने इसको फिर से 2 से डिवाइड करना है. सो 1 5 को एज इट इज राइट कर देंगे, 15 को एज इट इज. नाउ 2 जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाता है, 2 1 जा 2 एंड 5 को अगेन राइट कर दिया. नाउ अब आप देखिए, अब ये जो नंबर्स हमारे पास आए इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 के बाद हम 3 से चेक करेंगे. इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम डिवाइड करते जाएंगे. तो अब हम 3 से चेक करते हैं, 3 से कोई नंबर इसमें डिविजिबल है? यस, अगर हम देखें 15 को, तो 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो अब आपने इसको 3 से डिविजिबल करना है. 3 से हम इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे जो जो डिविजिबल होंगे, तो 3 5 को एज इट इज लिख दीजिए. 15 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, 3 5 जा 15. ओके, बाकी जो डिविजिबल नहीं है उन नंबर्स को एज इट इज आपने नीचे लिख देना है. अब आप देखिए आगे जो है वो 3 से कोई नंबर डिविजिबल नहीं है, 3 के बाद 4 से तो हम डिवाइड नहीं करते हैं, बिकॉज 4 प्राइम नंबर नहीं है. हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉलो कर रहे हैं, तो हम प्राइम नंबर से ही इनको डिवाइड करते हैं. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी. अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जो प्राइम नंबर होते हैं वो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और ओनली 1 से डिवाइड होते हैं. लाइक 2 ओनली 1 से डिविजिबल होता है और 2 से डिविजिबल होता है. 3 भी 1 से डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल होता है. तो ये प्राइम नंबर्स हैं, बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर. क्यों? क्योंकि 4 1 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है. सो जब 3 नंबर से डिविजिबल होना स्टार्ट हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है. तो इस कंसेप्ट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया. सो अब हम किससे डिवाइड करेंगे, अब हम इसको देख रहे हैं कि ये 5 से डिविजिबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देंगे. 5 भी हमारा प्राइम नंबर है. देखिए 1 को एज इट इज ले आइए, ये 5 1 5 5 1 5 1 5. अब लास्ट में जब तक हमारा 1 1 1 नहीं आता तब तक हमने डिवाइड करना है. तो अभी हमारा देखिए सारे नंबर्स की जगह 1 आ चुका है, तो मींस अभी हमने स्टॉप कर देना है. नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो इनसे जो हमने इनको डिवाइड किया है इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे हम. 2 2 2 2 3 5. ओके, नाउ इनको मल्टीप्लाई करना है हमने. 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4. 4 से फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8. 8 से फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16. 16 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जा 48. 48 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48 से 5 को मल्टीप्लाई करके आता है 240. तो आपका आंसर आ जाएगा 240. तो इट मींस कि हमारा जो एलसीएम ऑफ 8 10 15 16 एंड 20 आया वो आया 240. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1. इसी तरह से आपने अगर एलसीएम आपको निकालने को आता है तो स्टेप बाय स्टेप आपने इसी मेथड से करना है. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 64 96 112 एंड 72. अब ये थोड़ा सा हमने बड़ा नंबर लिया है, इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो सेम मेथड से हम इसका भी एलसीएम फाइंड करेंगे. इनको राइट कर देना है 64-96-112 and 72. देखिए फिर से हम 2 से स्टार्ट करेंगे. ये नंबर्स जो है कौन कौन से नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है? तो 2 से हम देखते हैं. देखिए 2 से डिविजिबिलिटी के लिए इतने बड़े नंबर्स को हम कैसे चेक करेंगे, तो इनका वंस प्लेस देखते हैं हम. अगर वंस प्लेस जो है लाइक 64 है, तो इसका वंस प्लेस 4 है. तो अगर 4 2 से डिविजिबल है, इट मींस 64 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा. आगे 96 है, इसमें 6 जो है वंस प्लेस पे 6 है, 6 2 से डिविजिबल है, तो 96 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा. ये शॉर्टकट मेथड है बड़े बड़े नंबर्स को चेक करने का कि वो 2 से डिविजिबल होते हैं या नहीं. ओके, सो अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी 2 से डिविजिबल होगा उसे हम डिवाइड कर देंगे. देखिए 2 से 64 डिविजिबल हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, ठीक है? 2 32
2 32 64 होता है। अगर आपको इस तरह से डिवाइड करना नहीं आता है तो आप साइड में डिवाइड कर लीजिए और जो आपका कोशेंट आता है उसको आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। नाउ 96 को देखिए, 2 से डिविजिबल होता है, 2 3 6 सॉरी 2 4 8 2 4 8 आएगा यहाँ पे, 2 4 8 एंड 2 8 16। देखिए मैं कैसे डिवाइड कर रही हूँ, मैं सबसे पहले 2 से मैं 9 को डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, 2 4 8 होते हैं। अब 2 4 8 जब किया हमने तो 1 हमारे पास बच गया, क्योंकि 9 था, है ना, 1 बच गया, तो 1 जो है वो आगे जाके 6 के साथ मिल गया तो ये 16 बन गया। अब 2 से 16 को डिवाइड किया तो 2 8 16। इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। नाउ इसको देखिए, 2 से 11 को डिवाइड करेंगे हम, 2 5 10 होते हैं और 10 के बाद क्योंकि यहाँ 11 है तो 1 बच जाता है हमारा, तो 1 12 2 के साथ मिल जाएगा तो 12 बन जाएगा। अब 2 से 12 को करेंगे तो 2 6 12। ओके, नाउ 72 को करेंगे तो 2 3 6। अब देखिए यहाँ 7 था तो 1 आगे चला गया, 12 बन गया, 2 6 12। इस तरह से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। नाउ फिर से देखिए, 32 2 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर से जो नंबर 2 से डिविजिबल है उनको 2 से डिवाइड कर देना है। देखिए 2 से 2 1 2 देखिए 3 था, 1 2 के साथ मिल गया, 12 बन गया, 2 6 12। 48 को देखिए, 4 को 2 2 4 2 4 8 तो सिंपल ही था। नाउ 56 को देखिए, 2 2 4 यहाँ 5 था, 1 फिर से बच गया तो 1 6 के साथ मिल गया, जाके 16 बन गया, 2 8 16। नाउ 36 को भी 2 1 2 2 8 16। अब फिर से ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, देखिए 2 से फिर डिवाइड करेंगे, जब तक कि हमारा 2 से डिविजिबल होना बंद नहीं होता तब तक हम 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे इसको। ओके, सो 2 8 16 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 4 8 2 9 18। फिर से 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 8 2 6 12 2 7 14 एंड 9 को एज इट इज हमें राइट कर देना है बिकॉज 9 2 से डिविजिबल नहीं है। अब फिर से 2 से देखेंगे हम, 2 से फिर से डिविजिबल हो जाएगा ये, 2 2 4 2 3 6 एंड 7 एज इट इज, बिकॉज 7 भी 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसको एज इट इज हम नीचे उतार देंगे। नाउ 9 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, नाउ फिर 2 से होगा बिकॉज इधर 2 है अभी, तो 2 से फिर से डिवाइड कर देना है हमने, 2 1 2 3 7 एंड 9 को एज इट इज हम उतार देंगे। अब देखिए, अब 3 7 9 इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होने वाला नहीं है, 2 के टेबल में नहीं आता है, तो अब हम 3 से देखेंगे तो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे ये, क्योंकि 3 भी है और 9 भी है। तो देखिए 3 1 3 एंड 3 3 9 7 3 से डिविजिबल नहीं है तो उसको डिवाइड नहीं करेंगे 3 से। ओके, नाउ फिर से 3 से डिवाइड होगा बिकॉज हमारे पास एक और 3 है अभी, सो 1 1 यहाँ 7 एंड 3 1 3। नाउ एक लास्ट नंबर बचता है 7, तो जो 7 नंबर है वो 7 से ही डिविजिबल होता है बिकॉज 7 इज अ प्राइम नंबर और प्राइम नंबर जो है वो प्राइम से ही डिविजिबल होगा। सो 7 जो है 7 से ही डिविजिबल होता है, 1 1 7 1 7 1। नाउ लास्ट में हमारा 1 1 1 आ चुका है तो यही पे हमने स्टॉप कर देना है। अब जितने भी हमारे ये नंबर्स हैं इनको हमने करना है मल्टीप्लाई। ओके, तो और वही होगा हमारा एलसीएम। तो देखिए इनको सबसे पहले राइट कर लेना है, 2 2 2 2 2 3 3 7। देखिए 2 कितने टाइम्स था, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने 2 राइट कर लिया, 2 टाइम्स 3 था तो 3 भी हमने 2 टाइम्स राइट कर लिया, 7 राइट कर लिया। ओके, नाउ ये हमने राइट कर दिया है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। देखिए 2 से 2 को करेंगे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 होता है 64 64 3 तो 64 3 64 बड़ा नंबर हो गया तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये आपका आ जाएगा 192 3 कर देंगे तो 192 3 हो जाता है
566 सेवन्स, जब तक कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 4032। तो 4032 जो है वो आपका एलसीएम होगा 64, 96, 112 एंड 72 का। तो इसी तरह से आपके पास अगर एलसीएम के क्वेश्चंस आते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह से सॉल्व करना है, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। और अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी एलसीएम का ही है। क्वेश्चन रीड करेंगे, फोर बेल्स रिंग टुगेदर इफ द बेल रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 2, 5, 8 and 10 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। हमें कहा है कि फोर बेल्स जो है वो एक साथ बजना शुरू होती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है कि जो बेल्स हैं वो एक बेल जो है वो 2 सेकंड के बाद जो है वो रिंग करती है, दूसरी जो है वो 5 सेकंड के बाद, तीसरी जो है वो 8 सेकंड के बाद एंड जो फोर्थ है वो 10 सेकंड के बाद। इस तरह से वो अपने अपने टाइम के बाद एक 2 सेकंड के बाद रिंग करेगी, एक 5 सेकंड के बाद जो है, और जो नेक्स्ट है वो 8 सेकंड के बाद और जो नेक्स्ट है वो 10 सेकंड के बाद रिंग करेगी, करती जाएंगी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम विल दे रिंग टुगेदर। तो अब कितने टाइम के बाद वो एक साथ जो चारों बेल्स हैं वो रिंग करेंगी, ये हमने फाइंड करना है। तो देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है और जो आपका आर्मी जीडी का एग्जाम है उसमें मैक्सिमम टाइम भी क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, 2, 5, 8 और 10 का एलसीएम लेना है। इसका जो एलसीएम आएगा उतने सेकंड के बाद ये चार जो बेल्स हैं वो एक साथ रिंग करेंगी। तो देखिए 2, 5, 8 और 10 का हम एलसीएम ले लेंगे, 2, 5, 8 एंड 10 का हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम हमने फिर वैसे ही लेना है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 1 2 5 वैसे आ जाएगा, 2 4 8 एंड 2 5 10, जो जो 2 से डिविजिबल है उसको 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं। फिर से हम 2 से चेक करेंगे, 2 से 4 डिवाइड हो जाता है, देखिए 2 2 4 इसको डिवाइड कर देंगे। नाउ फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 1 5 एंड 2 1 2 एंड 5। नाउ देखिए 2 से अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं रहा है जो 2 से डिविजिबल होगा। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए आ जाएगा 5 1 5 5 1 5 1 5, हमारा जो है वो यहाँ पे 1 1 1 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 5 40। तो इट मींस जो बेल्स हैं जो एक साथ रिंग करना स्टार्ट किया था, उसके बाद एक 2 सेकंड के बाद रिंग कर रही थी, एक 5 सेकंड के बाद, एक 10 सेकंड के बाद, एक जो है वो 10 सेकंड के बाद रिंग कर रही थी, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम वो 40 सेकंड के बाद एक साथ चारों बेल्स रिंग करेंगी, एक साथ बजेंगी वो। ओके सो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, आपने डायरेक्ट एलसीएम फाइंड कर लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 एंड 3 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में शेष जो है वो 3 बचे। तो इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जिसको अगर हम 6, 9, 12 एंड 16 एंड 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है, शेष मतलब रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो हमारा 3 बचना चाहिए। तो ऐसा नंबर हमने फाइंड करना है, तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको हम इन ये जो हमें नंबर दे रखे हैं इनसे डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर है वो 3 बचता हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमने ये जो हमें दे रखा है 6, 9, 12, 16 एंड 3 इनका एलसीएम ले लेना है, क्योंकि इनका जो एलसीएम आता है वो 6, 9, 12, 16 एंड 3 तीनों से डिविजिबल होता है वो एलसीएम, ठीक है।
जो हमारा एलसीएम आता है वो इन तीनों नंबर, ये जितने भी नंबर्स हैं जिन नंबर्स का हम एलसीएम लेते हैं वो उन नंबर्स से डिविजिबल होता है। ठीक है, डिविजिबल होता है तो हमने एलसीएम फाइंड कर लेना है। आफ्टर दैट एलसीएम फाइंड करने के बाद, क्योंकि जो एलसीएम है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा, 12 से भी, 16 से भी एंड 3 से भी, तो हमें क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो उस एलसीएम में अगर हम 3 ऐड कर देंगे, आफ्टर दैट अगर हम इन नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हर एक केस में रिमाइंडर 3 ही बचेगा। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। देखिए 6, 9, 12, 16 एंड 3 का हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 2, 3 जा 6, 9, अब 12 डिवाइड हो जाता है 2 से, 2, 6 जा 12, 2, 8 जा 16, 3 को एज इट इज राइट कर देंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 9, ये 2 से डिविजिबल होता है 6, 2, 3 जा 6, 8 2 से डिविजिबल होता है 2, 4 जा 8, 3। नाउ फिर 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से 4 डिविजिबल होगा, 2, 2 जा 4, बाकी कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो चाहे एक नंबर ही 2 से डिविजिबल हो तब तक हमने डिवाइड करते रहना है जब तक 2 से डिविजिबल होता है, चाहे एक ही नंबर हो। तो देखिए फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 जा 2। नाउ अब ऐसा कोई नंबर नहीं रहा जो 2 से डिविजिबल होता है, तो अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। नाउ एक लास्ट 3 बचता है, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, एट लास्ट हमारे पास 1 1 1 जो है वो बच जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144। तो 144 जो है वो इसका एलसीएम आ गया है। अब आप ये जो आपका 144 आया, इसको अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, 16 एंड 3 से भी डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, बट हमें रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर 3 चाहिए, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 147। मींस जो 147 नंबर है उसको अब आप इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर ऑलवेज जो है वो 3 बचेगा। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने इस तरह से करने हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम HCF पढ़ेंगे। ठीक है, HCF के बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और क्वेश्चंस आते हैं LCM एंड HCF के, फ्रैक्शन में मैं आपको बताऊंगी LCM निकालना, HCF निकालना, तो वो नेक्स्ट वीडियोज में आपको मिल जाएंगी। LCM एंड HCF का कंसेप्ट मैं पूरा क्लियर कर दूंगी, स्टेप बाय स्टेप हम चले हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और अपने आप अपने बेसिक मैथ्स को जो है वो अच्छा बना सकें, आपको मैथ से डर नहीं लगेगा अगर आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सीखेंगे। और फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल है पूनम्स मंत्रा ब्लॉग, जिसपे हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एंड मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।